रहना दीजिए। दाम बहुत है इसमें, दाम बहुत है। मिट्टी भी बना सकते हैं, नाली भी बना। अच्छा अच्छा, हाँ लगा भाई, पहले महंगा चलाते हैं। नाली तैयार हो गया, और देखिए क्या बात है। आज मेरे मनोज भैया है और मेरे साथी लोग हैं, तो आज हम इस गाड़ी से जोताई करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी कि करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए, इस पे हम जोताई करके आपको प्रैक्टिकल करके हम बोले हैं कि पहले विश्वास करें, कैसे जब इस्तेमाल करें तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस टाइप पर हम चलते हैं, इसको पहले हम डेमो दिखाते हैं कि जोतिया कैसा होता है और इसे क्या क्या हम कर सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, हम खेत में लेकर के चलते हैं। भैया ने इस गाड़ी में अटैच करने के लिए रेडी हो गए हैं, तो देख सकते हैं इस गाड़ी को शुरू कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसमें कैसे कैसे अटैच होता है। तो देखते रहिए कैसे अटैच होता है। तो देखिए ये आपको ये स्टार्ट कर दिए, इसको चलाना बहुत ही आसान है। जैसे अभी हमने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट के बाद आपको गियर डालना है, गियर डालने के बाद इसको क्लच को दबाएंगे, ये चलेगा, क्लच को छोड़ देंगे रुक जाएगा। अभी हम लेकर चल रहे हैं खेत में, इसको हम लाइव चला के दिखाएंगे यह कैसा काम कर रहा है, बिहार की धरती पे एकदम बढ़िया काम करता है कि नहीं करता, आप लाइव बने रहिए। तो हम दिखा रहे हैं, देखिए ये चल रही है, इसमें कैसे क्या होता है आप बने रहिए। ये आप हमको खेत में इसको लेके चल रहे हैं, तो देखिए इसको खेत में ले चलने के बाद कैसे कैसे काम होता है इसमें। देख लीजिए हम लोग लेके चल रहे हैं इसको खेत में, तो देखिए इसको जोताई करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए हम लोग खेत में आ गए हैं, वो भी देख सकते हैं पूरे खर पतवार वाले खेत है, पतवार वाले खेत है जो देख सकते हैं। इसको हम लोग अब इसको पूरे अटैचमेंट के साथ इसको चलाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए। अब ये स्विच से बंद कर दिए। जी सर, यहाँ से ये बटन होती है, इससे आप बंद कर सकते हैं, अभी इससे चालू भी कर सकते हैं ऐसे करके। हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ से ये सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए सर अभी हमने इसमें रोटावेटर लगा दिया है, और जो अभी हम पहले इसमें तीन गियर है, तीनों गियर की हम स्पीड दिखाएंगे कि कौन से गियर में कितना ये आरपीएम पे रोटावेटर चल रहा है। सबसे पहले हम पहले गियर में चला के दिखाते हैं किसान भाई। देखिए पहले गियर में चल रहा है और कितनी गहराई ले रहा है। अब बात करेंगे इसके दूसरे गियर में, अब हम दूसरे गियर में इसको चला रहे हैं। ये देखिए इसके आरपीएम बढ़ गए हैं सर, तो ये और ज़्यादा गहरी जुताई और तेज से करने लगा है। अब हम किसान भाई आपको तीसरे गियर में इसको चला के दिखाते हैं। ये तीसरा गियर मैंने लगा दिया, फुल एक्सीलेटर पे ले रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी घास है वहाँ चला के दिखाएंगे आपको। सकते हैं इतना लोड देने के बाद भी गाड़ी बंद होने का कोई चांस नहीं है, ये अपने काम पर कार्यरत है, ये गाड़ी बंद होने की कोई संभावना नहीं है। इतने गहराई जोतने के बाद ही बंद होने के इसके। कोई खर पतवार इसको दिक्कत नहीं,
बस बस भैया रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, बस बस। ये देखिए भैया, अभी हमने इसकी जुताई की है और इधर साइड से हम पहली बार लेके गए हैं। अगर इसकी गहराई की बात करें, ये देख लीजिए, कम से कम ये 4 से 5 इंच गहराई ले रहा है एक बार में। और जो यहाँ की मिट्टी है, ये देखिए कितनी हार्ड और सख्त मिट्टी है सर, जो कि चिकनी टाइप की है सर। वाह क्या बात है, मशीन तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और नहीं, भाई साहब रुक रहे हैं, अब रहने दीजिए। दम देखते हैं कितना इसमें दम है। दम बहुत है इसमें, दम बहुत है। माटी तो खैर इसका जान निकाल दिया, मान गए मशीन का भैया। मान गए इस मशीन का, अब रहने दीजिए। ये तो खेत को 2 चास में मतलब गर्दा बना देगा। ये अभी अभी तो बाद हम रिजर्व अटैचमेंट दिखाने वाले हैं। जो किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं या बेड बनाने का काम करना चाहते हैं, उनके लिए रिजर्व अटैचमेंट है। इससे आप मिट्टी भी बना सकते हैं और नाली भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, लगा भाई। पहले हम हेंगा चलाते हैं, पहले इसको लगाते हैं, उसके बाद हेंगा चलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको अटैच करने का तरीका देखिए। यहाँ पर एक दिया गया है, ये भाई साहब सिंपल सा एक पिन होता है, पिन निकाल के आप इसको दोबारा से कोई दूसरा अटैचमेंट लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल आसान है भाई साहब लगाना इसको। बस बस, अब जितना आपको साइज चाहिए उतना साइज ले सकते। बिल्कुल भाई साहब, और ये एडजस्टेबल है इसको किसान भाई 12 इंच से लेके 2 फीट तक इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, 24 इंच माने चकराई में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उनको मिट्टी चढ़ानी हो, जितना चौड़ा उसको नाली बनाना हो, उस हिसाब से यहाँ से ये जो छेद लगे इससे एडजस्ट कर सकते हैं सर। क्या बात है, तो यहाँ पर चालू कर दिए भाई साहब और दिखा रहे हैं नाली बनाकर। वाह वाह क्या बात है, गहराई देखिए इसका, गहरा नाली तैयार हो गया। और देखिए क्या बात है, ऊख भी रोपा सकता है इससे। क्या बात है भैया, बस भैया रहने दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए भाई साहब कितनी बढ़िया इसमें मिट्टी चढ़ाई है, यह लगभग 1 फीट लगभग ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 इंच की ऊंचाई है। अगर दूराई की बात करें लगभग 1.5 फीट है सर। जी जी, बहुत बढ़िया। अगर कोई भाई ऊख रोपना है तो आप ले सकते हैं इसको। ऊख रोपने के लिए पहले नाली बनाने के लिए बहुत ही बड़ा, उसके लिए 40 HP 50 HP की गाड़ी लेनी पड़ती है, तब जाके ये बनती है। और ये देखिए कितने छोटे गाड़ी आपको ऊँट रोकने के लिए व्यवस्था बना दी है। तो चलिए इससे ऊँट भी रोक सकते हैं, साथ साथ में जो ऊँट के बाद जब बड़ा हो जाता है तो गुड़ाई का काम और मिट्टी चढ़ाने का काम करना होता है, इससे भी कर सकते हैं। बारह बेर में इसे मिट्टी चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, इससे गुड़ाई और मिट्टी दोनों काम कर सकते हैं। जैसे दोनों इस समय रोप दिया, अगले बारी से फिर दोनों तरफ माटी चढ़ा दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक का दो पंथ। बिल्कुल सर, ये एक ही बार में दोनों काम करता है, आगे रोटावेटर से गुड़ाई हो जाएगा और पीछे जो रिजर्व अटैचमेंट है उससे आप मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा अच्छा, अटैच कर रहे हैं तो भाई साहब बताइए। ये भाई साहब हम इसको लेवलर अटैचमेंट लगा रहे हैं। अच्छा, जैसे अच्छा। अभी जुताई कर दिया है, उसके बाद जैसे अभी मिट्टी प्लेन करना है, हैंगर लगाना है, वो करके दिखा रहे हैं अभी आप। चलिए ठीक है सर, तो ये बताइए कि रोटावेटर के साथ ही में प्लेन करेगा या चक्का लगा कर? भाई साहब इसमें आगे रोटावेटर चलेगा, पीछे इसमें जो लेवलर हैंगर लगा दिया है इससे आप प्लेन कर सकते हैं। अभी हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये चीज बताइए जी सर, ये अगर मान लिए कि अगर एक खेत है जी सर, तो हम क्या इसे दोनों काम में साथ कर सकते हैं? बिल्कुल सर, एक बार में आप दोनों काम कर सकते हैं, आगे से आप जुताई कर सकते हैं, पीछे से आप हैंगा भी लगा सकते हैं। मेरे दोनों काम साथ हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 in 1 है, एक बार में दोनों काम होंगे आपके। मैंने आगे जोतेगा भी, पीछे से हैंगा भी लगाएगा, हैंगा भी लगाएगा। जी सर, ये बुआई का काम हो जाएगा सर आपका। अगर कोई चीज बोना है तो 2 बार नहीं, 1 डीजल पेट्रोल में दोनों काम, सिंगल बार में ही आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो देखते रहिए आगे हम।
बहुत ही कमाल के बाद दिखाते रहते हैं। क्या बात है, और यहाँ पर जो नाली बना हुआ था उसको बरोबर कितना आसान से कर दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं इस नाली को एकदम बराबर कर दिया गया, जो आप देख सकते हैं। क्या बात है, तो बहुत अच्छा हो गया। अरे भाई साहब ये देखिए, बिल्कुल प्लान कर दिया है, प्लान हो गया। यहाँ गड्ढा था, एकदम आगे से जुताई होके एकदम प्लान प्लान हो गया। हाँ, इन्हें यूपी से चलकर बिहार के मिट्टी पर किसानों के लिए सौगात ला चुके हैं। तो मनोज भाई, ये जो आपने काम किया, ये आपको कहाँ से आपको आइडिया आया कि बिहार चले? अरे भाई साहब देखिए, पेशे से मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। मैं खेती बाड़ी से मैंने 4 साल लगाए हैं जो इसमें इंजीनियरिंग की हुई है, और साथ साथ में मैंने बड़े बड़े कंपनियों में भी काम किया जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री से थे। मैंने उसके साथ मेरे कॉन्सेप्ट था कि किसान भाई को कुछ ऐसा इक्विपमेंट दें जो सस्ते में और किसान भाई वो सारे काम कर सकें। एक्चुअली में बड़े किसान हैं वो बड़े ट्रैक्टर तो हर कोई ले सकता है जिनके पास ज़्यादा जमीन है। जो छोटे किसान हैं उन किसान भाइयों के बीच में जैसे कहीं कोई ऐसी फसल है चारों तरफ से रोप दिया, वो उसका छोटा सा खेत है, कोई नहीं गया तो उसका छूट जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। ऐसे सभी किसान भाइयों के लिए हम एक बढ़िया और मजबूत ट्रैक्टर लेके आए हैं, जिससे किसान भाई जुताई का काम, गुड़ाई का काम, मिट्टी चढ़ाने का काम, नाली बनाने का काम, ट्रॉली का काम, सारे काम कर सकते हैं जो एक बड़े ट्रैक्टर करता है। सर क्या इसे घास कहीं से लाना, ये भी इसमें अटैच हो सकता है? बिल्कुल सर, इसमें ट्रॉली लग जाती है, जिससे किसान भाई अपना हलच का काम, जैसे कुछ माल ढोने का काम, कुछ आने जाने का काम, सारा काम कर सकते हैं सर। इसमें आप जोर करके आप जाइए खेत में, खेती कर लीजिए, वहाँ से जितने भी आपको जनेरा है, कोई भी आपका हरा घास है, आप ट्रॉली पर लोड करके फिर घर आ सकते हैं। उसमें अटैचमेंट आपको बताया गया है, आप उसमें जोड़ लीजिए। आप घर से कितनों किलोमीटर जा करके इसे खेती कर सकते हैं, और वहाँ से जितना भी आपको आपको उतना सामान लाना है वहाँ लाद करके ले आ सकते हैं। तो मनोज भैया ने बिहार में मुजफ्फरपुर में ला दिए हैं, ये देख सकते हैं पावर टिलर, जो छोटे किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया, आपको क्यारी हो गया, जोताई हो गया, बुआई हो गया, ये बहुत ही नॉर्मल तरीका से और नॉर्मल पैसा में आपको मनोज भाई ला दिए है मुजफ्फरपुर। भैया ये चीज़ बताइए, इस गाड़ी को जो तो चला के दिखा दिए, क्या इसका प्राइस बता सकते हैं? किसान भाई आपको एक 32 मिनट का रोटावेटर मिलेगा, और साथ में आपको 2 अटैचमेंट फ्री देने वाले हैं, एक हैंगर देंगे और एक 3 खुरपी का कल्टीवेटर देंगे। इससे किसान भाई आप प्लान भी कर सकते हैं, रोटावेटर से आप जुताई भी कर सकते हैं, और 3 टर्न कल्टीवेटर से भी आप जुताई कर सकते हैं। ये 3 अटैचमेंट सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपए में देने वाले हैं सर। और कल्टीवेटर फ्री में दीजिएगा? बिल्कुल सर, 3 खुरपी का कल्टीवेटर और एक लेवलर बिल्कुल फ्री में देंगे। किसान भाई पिंटू कुमार सिंह ब्लॉग यूट्यूब चैनल का हमको स्क्रीनशॉट देंगे, उनको हम ये 2 अटैचमेंट बिल्कुल फ्री देने वाले हैं सर। तो इसी बताइए इसका प्राइस कितना बताएं एक बार? इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपए में है विद 2 अटैचमेंट के साथ। और किसान भाई मुजफ्फरपुर में आके यहाँ से देख के भी लेके जा सकते हैं, और जो किसान भाई घर से मंगवाना चाहते हैं वो आप घर बैठे भी, अगर आप भारत के कहीं दूसरे कोने से हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन में 5,000 रुपए बुकिंग अमाउंट रहता है, बाकी पेमेंट जब मटेरियल आपके डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाए, ट्रांसपोर्ट में जाके देख लें, संतुष्ट हो जाए, उसके बाद पैसा डालें कंपनी के खाते में। जैसे पेमेंट आएगी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर पहुँचा के देंगे, और कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। और इसके साथ साथ बात कर लेते हैं गारंटी वारंटी की। किसान भाई आपको 1 साल की इंजन गियरबॉक्स की फुल गारंटी देंगे। इंजन में गियरबॉक्स में कोई पार्ट्स कैसे भी खराब होता है वो पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे पहुंचा के देंगे, और लोकल मोटरसाइकिल मैकेनिक से आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। मैंने साल भर तक कोई भी खराबी हो उसका रिक्शा आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा है। चाहे किसान भाई की गलती से क्यों ना खराब हो जाए, इंजन में जैसे इंजन में कुछ खराब होता है हो जाता है कोई पार्ट्स, तो पार्ट्स भेज देंगे। बाय द वे अगर बनने लायक कंडीशन में नहीं है तो भाई साहब नया इंजन दे देंगे, और क्या चाहिए। अच्छा, तो आप साल भर नो टेंशन, बिल्कुल फ्री होकर टेंशन किसान भाई चलाएं और लाखों की बचत करें अपनी। ये पेट्रोल है या डीजल? ये सर पेट्रोल इंजन है, 8 HP का है, सुपर टर्बो का इंजन लगाया है, सिकंदर मॉडल है सर। अगर बिहार से है तो कहाँ आना होगा? कर्जा मुजफ्फरपुर बिहार सर। और लगभग आपको फर्स्ट में कितना पेमेंट बोले हैं सर? जो किसान भाई हमारे यहाँ से डायरेक्ट लेके जाना चाहते हैं वो कंप्लीट पेमेंट उनको यहीं करना पड़ेगा। अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो 5,000 रुपए बुकिंग अमाउंट रहेगा। होम डिलीवरी फ्री है? बिल्कुल सर, घर तक डिलीवरी बिल्कुल फ्री रहेगी सर। तो आप अगर चाहते हैं इस गाड़ी को लेना तो आए यहाँ यूज करें, और आप गाड़ी ले सकते हैं, और आइए मनोज भैया के इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और बात कीजिए और गाड़ी ले जाइए। धन्यवाद।